नमस्कार, मैं भाग्यश्री। गुड़ी पड़वा का पर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गोवा सहित दक्षिण भारतीय राज्यों में उल्लास के साथ मनाया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन को नव संवत्सर के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस पर्व को लेकर खास मान्यता है। गुड़ी ध्वज यानी झंडे को कहा जाता है और पड़वा प्रतिपदा तिथि को। मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। दक्षिण भारत में गुड़ी पड़वा की लोकप्रियता का कारण इस पर्व से जुड़ी कथाओं से समझा जा सकता है। दक्षिण भारत का क्षेत्र रामायण काल में बाली का शासन क्षेत्र हुआ करता था। जब भगवान श्री राम को पता चला कि लंकापति रावण माता सीता का हरण करके ले गए हैं, तो उन्हें वापस लाने के लिए उन्हें रावण की सेना से युद्ध करने के लिए एक सेना की आवश्यकता थी। दक्षिण भारत में आने के बाद उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने बाली के कुशासन से उन्हें अवगत करवाते हुए अपनी असमर्थता जाहिर की। तब भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दक्षिण भारत के लोगों को उनसे मुक्त करवाया। मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ही वो दिन था, इसी कारण इस दिन गुड़ी यानी विजय पताका फहराई जाती है। एक और प्राचीन कथा शालीवाहन के साथ भी जुड़ी है कि उन्होंने मिट्टी की सेना बनाकर उनमें प्राण फूंक दिए और दुश्मनों को पराजित किया और तब से इसी दिन शालीवाहन शक का आरंभ माना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को आम के पत्तों की बंधनवार से सजाते हैं। खासकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र में इसे लेकर बहुत उल्लास होता है। आम के पत्तों की यह बंधनवार लोगों में खुशहाल जीवन की एक उम्मीद जगाती है। अच्छी फसल होने व घर में समृद्धि आने की आशाएं भी लोगों को होती है। गुड़ी पड़वा की गिनती वर्ष के तीन भूतारे भी होती है। स्वास्थ्य के नजरिए से भी इस पर्व का महत्व है। इसी कारण गुड़ी पड़वा के दिन बनाए जाने वाले व्यंजन खास तौर पर स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। चाहे वह आंध्र प्रदेश में बांटा जाने वाला प्रसाद पचड़ी हो या फिर महाराष्ट्र में बनाई जाने वाली मीठी रोटी पूरणपोली हो। पचड़ी के बारे में कहा जाता है कि खाली पेट इसके सेवन से चर्म रोग दूर होने के साथ साथ मनुष्य का स्वास्थ्य बेहतर होता है। वहीं मीठी रोटी भी गुड़, नीम की फूल, इमली, आम आदि से बनाई जाती है। ऐसे दिन चूंकि नवरात्र भी आरंभ होते हैं, इसलिए इस पर्व का उल्लास पूरे देश में अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है, जो कि दुर्गा पूजा के साथ रामनवमी के दिन समाप्त होता है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई कर रंगोली, बनवार आदि से घर के आंगन व द्वार को सजाते हैं। घर के आगे एक गुड़ी यानी झंडा रखा जाता है। ऐसे में एक बर्तन पर स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उस पर रेशम का कपड़ा लपेटकर उसे रखा जाता है। पारंपरिक वस्त्र पहने जाते हैं। सूर्यदेव की आराधना की जाती है। इस दिन सुंदर कांड, राम रक्षा सूत्र, देवी भगवती के मंत्रों का जाप भी किया जाता है। आप सभी को NBCN की ओर से गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं।